दोस्तों, मेरा नाम सोहेल आटिया है और मैं बुल मशीन साउथ गुजरात से हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बुल का BS मशीन SD76। अगर मशीन की बात करें तो इस मशीन में जो बकेट है वो 1.26 क्यूबिक मीटर का है और जिसका पेलोड कैपेसिटी 2400 किलो है, जो कि कंपटीशन में मार्केट में जितनी भी मशीन है उससे बड़ा है। मार्केट में जो मशीन है उनका 1.1 क्यूबिक मीटर रहता है बकेट और उसका पेलोड कैपेसिटी 1800 केजी रहता है। बकेट के साथ साथ आप उसका पीछे का स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो सारा का सारा स्ट्रक्चर हैवी दिया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे हाथा जो है इसका, जिसमें प्लेट के अंदर स्लॉट पर के फिर वेल्डिंग किया हुआ है, सेम यहाँ पे भी जो है वेल्डिंग पूरा किया हुआ है स्ट्रक्चर, ये जो बाग है। और इसका हाथा भी जो है बड़ा है। इसमें जो लोडर का सिलेंडर लगा हुआ है जो कि कॉम्पिटिशन से 2-2 सेंटीमीटर बड़ा दिया गया हुआ है, जिससे आपको लोडर में पावर अच्छा मिल जाता है। मशीन के आगे के हिस्से में नीचे की साइड पे काउंटर वेट रखा गया है, जिससे मशीन का आगे का और पीछे का वेट बैलेंस हो और मशीन जब भी रोड पर चले तो सीधी चले और झटके ना ले, जिससे ऑपरेटर को कंफर्टेबल ज़्यादा हो और थकान कम लगती है। मशीन में अगर रेडिएटर की बात करें तो इसमें 3-in-1 रेडिएटर है, जिसमें रेडिएटर, ऑयल कूलर और ट्रांसमिशन का सब एक में ही आ जाता है। इसमें कंपटीशन कंपनी की तरह रेडिएटर के आगे ऑयल कूलर या इंटर कूलर की अटैचमेंट नहीं है, जिससे क्या एक तो क्या है रेडिएटर को आपके फ्रेश हवा मिल जाएगी, जिससे मशीन लोडर में चलने के डरे में गर्म नहीं होता है, और दूसरा इसको क्लीन करना भी ईजी है। इसमें 150 mAh का बैटरी दिया हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है, और बैटरी कट ऑफ सिस्टम दिया हुआ है। इसमें क्या है, जब भी आपका मशीन बंद कंडीशन में हो 10 दिन 15 दिन, तो आप इसको बंद करके बैटरी को कट ऑफ मशीन में पूरा इंजन का सप्लाई में बंद कर सकते हो, इलेक्ट्रिक सप्लाई, जिससे आपका बैटरी डिस्चार्ज होने के प्रॉब्लम कम रहेंगे। अब जब भी मशीन आपका लोडर में चलता है तो इस बेयरिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। इसमें क्या है, बेयरिंग बड़ा दिया हुआ है, प्लस फ्रंट एक्सल जो है लोडर को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी हैवी दिया गया है। इसमें जो किन पिन में, सेंटर पिन में जो बूश लगा रहता है वो ग्रेफाइट का लगा रहता है, जिसमें आपको ग्रीसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और मशीन की बात करूँ मैं तो जहाँ पे बैंड दिया है वहीं पे रबर का पाइप दिया गया है, बाकी सारे मशीन में लोखंड का पाइप ही दिया गया है, ताकि आपको जब भी मेंटेनेंस आए चेंज करना रहे तो सिर्फ रबर के छोटे छोटे पाइप को ही चेंज करना रहेगा। इसमें किर्लोस्कर का BS4 इंजन है 75 HP का, और मशीन की गर्मी कैबिन के अंदर ना जाए इसलिए यहाँ पे कैबिन के पहले एक इंसुलेशन डाला गया है, जिससे आपका कैबिन गर्म ना हो और ऑपरेटर को और कोई तकलीफ ना हो। अगर मैं स्टेबलाइज़र की बात करूं तो इसमें स्टेबलाइज़र को ओपन करने के लिए एलन की का ज़रूरत नहीं है, बाहर से ही आपका स्टेबलाइज़र ओपन हो जाएगा। अब ये जो भाग रहता है कंपटीशन में, ये फाइबर का रहता है, अपने में ये लोखंड का रहता है, जिसके ये टूटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मशीन में कंट्रोल वाल के लिए काम करने के लिए भी काफ़ी स्पेस दिया गया है, आप आराम से हाथ डाल के काम कर सकते हो, और इसमें आप सिंगल सिंगल स्पूल भी चेंज कर सकते हो, जिससे आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहेगा। अगर मैं KPC की बात करूँ तो सारी जितनी भी कंपटीशन कंपनी है उसमें जो KPC है वो कास्टिंग का रहता है। अभी कास्टिंग क्या रहता है, सॉफ्ट मटेरियल रहता है, जिसमें अगर आप शॉक डालोगे तो वो टूट जाएगा और इजीली वेल्डिंग भी नहीं होता है, जबकि हमारा जो मशीन है उसमें KPC जो बना रहता है हाई स्ट्रेंथ एलॉय स्टील का बना रहता है, जिसमें आपका मशीन एक तो KPC ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, और इनकेस अगर कुछ मेंटेनेंस भी आ जाता है तो आप इजीली वेल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा चीज़ वेल्डिंग करके ही बनाया हुआ है। KPC के बाजू में ये जो पाइप देख रहे हैं पूरा पाइप कवर कर दिया हुआ है, नॉर्मली मशीन में पाइप कवर नहीं किया रहता है, जिसके कारण ये पाइप फट के मेंटेनेंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अगर बूम के अंदर जो सिलेंडर है उसकी भी बात करें तो जहाँ पे बैंड है वहीं के रबर पे पाइप दिए गए हैं, बाकी सब जगह पे लोखंड के ही पाइप दिए गए हैं, ताकि आपको मेंटेनेंस के दरमियान ज़्यादा लंबे लंबे पाइप चेंज ना करने पड़े। जितनी भी कंपटीशन मशीन है अगर उसमें ब्रेकर में मशीन चलता है तो ये जो पॉइंट है, ये जो पिन है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा टूटने का चांसेस रहते हैं। अपने में क्या, एक तो पिन का जो कॉलर है जो बाहर से दिया गया है, इनकेस अगर मशीन के जो डिपर आर्म है उसमें ज़्यादा लोड भी आता है तो जो कॉलर है घूम जाएगा, जिसकी वजह से बाहर से ही पिन को डैमेज होगा, अंदर मशीन के स्ट्रक्चर को, डिपर आर्म के स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होगा।
अगर मशीन के बकेट की बात करूँ बैको के, तो ये एक यूनिक चीज़ है हमारे मशीन में। इसमें जो बकेट रोटेशन एंगल है वो 201 डिग्री है, जो कि कंपटीशन से 21 डिग्री ज़्यादा है। कंपटीशन में 180 डिग्री रहता है, जिससे आप जब भी फाउंडेशन खोदते हो तो इसमें क्या आप 201 डिग्री होने के कारण 90 डिग्री कट भी ले सकते हो, मतलब फाउंडेशन 90 डिग्री पर आप कट ले सकते हो। और एक ये चीज़ है 3-लेन पिन है, तो इसमें आपका टूटने का चांसेस बहुत कम रहता है। मशीन के ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो ट्रांसमिशन में दो दो बोल्ट पे लगा हुआ है, टोटल 4 बोल्ट है, जिससे कि एक आपका जो बोल्ट गिर जाने का और जो मेंटेनेंस रहता है इसमें, जिससे क्लेम गिर जाता है, बोल्ट गिर जाता है, वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। दूसरा, आप देखोगे नीचे तो मशीन के नीचे एक भी पाइप आपको जो इसका चेचिस है उससे नीचे एक भी पाइप नहीं दिखाई देगा, जिससे कि आपका सिविल साइड पर जब भी मशीन चलता है अगर पाइप नीचे होता है तो वो सलिए में फंस कर फटने का चांसेस रहता है। इसीलिए ये आपको ये प्रॉब्लम इस मशीन में नहीं आएगा। और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा दिया गया हुआ है। अगर मैं केबिन की बात करूँ तो इसमें जो स्टेयरिंग है वो टिल्टेबल है, ऑपरेटर अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, जिससे कि ऑपरेटर लंबे टाइम तक मशीन बिना थके चला सकता है। ये मशीन का क्लस्टर है, एकदम सिंपल रखा गया है, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं दिया गया है। नीचे फ्यूज़ बॉक्स है, जिसमें कि आपका अगर कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ जाता है तो आप सिंगल सिंगल स्पूल चेंज करके भी, सिंगल सिंगल फ्यूज़ चेंज करके भी अपना मशीन रनिंग कर सकते हो। इसमें अगर मशीन में इलेक्ट्रिकल में प्रॉब्लम आ जाए तो कोई भी जगह पे कंप्यूटर या ऐसा कुछ जॉइंट करने, लैपटॉप जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं रहता है। इजी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। ये इसका लोडर का लीवर सिस्टम है। अगर मैं आपको सीट भी दिखाऊं तो इसमें जो सीट दिए गए हैं, एक्सपोर्ट सीट दिया गया है, जिसको आप आगे पीछे ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और रोटेट कर सकते हो। इसमें एक हेडरेस्टर भी दिया गया है, ताकि ऑपरेटर आराम से बैठ सके और लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं। ये पीछे बैकों के लीवर दिए गए, जो कि क्रॉस में ही है, जो मार्केट में रनिंग चल रही है, मशीन चल रही है उसी के हिसाब से दिया गया है, ताकि ऑपरेटर को मशीन चलाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये टूल बॉक्स और स्पेयर पार्ट जो भी हो रखने के लिए, ऑपरेटर को, हेल्पर को बैठने के लिए ये जगह दिया गया है। कैबिन आप देखोगे काफ़ी बड़ी कैबिन है, आप आराम से काम कर सकते हो उसमें। एक फ़ैन दिया गया है, जो कि ऑपरेटर को गर्मी ना लगे इसलिए। और इसमें एक और चीज़ है, कैबिन के ऊपर इंसुलेशन दिया गया है, ताकि जो कैबिन हो जल्दी गर्म ना हो। इसमें जो ग्लासेस दिए गए हैं, जो कि टिल्टेड ग्लास है, ताकि बाहर का धूप अंदर कैबिन में ना जा सके, हल्का सा ग्रीन कलर का है ग्लासेस। बुल में एक और चीज़ बहुत अच्छा है, इसमें टोटल 42 टाइप्स अटैचमेंट रहता है, जिसमें आप इस लोडर को निकाल के इसकी जगह पे आप कॉन्क्रीट मिक्सर है, रोलर है, उस टाइप की अटैचमेंट, फोर्कलिफ्ट है, वो लगा सकते हो और मशीन को आप मल्टीपर्पज़ में यूज़ कर सकते हो। मशीन का जो एवरेज है वो आपको बकेट के अंदर लगभग 3.5 के आसपास देगा, और लोडर के अंदर 4-4.25 लीटर पर हवर के हिसाब से देगा। बाकी मशीन के RPM पर बहुत ज़्यादा एवरेज डिपेंड करता है। और प्राइसिंग के लिए आप अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।